मित्रों नमस्कार, हाजिर हूँ फिर से नया वीडियो लेकर। आज आपको पूरी तरह अपडेट करूँगा मैं। एक वीडियो मैंने रिजर्वेशन सिस्टम से संबंधित अभी डाला था, तो आप लोग समझ गए होंगे कि कई लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे, सर मैं जनरल में हूँ, मेरा नंबर नहीं आया, मैंने तो इतने अंक प्राप्त किए थे, इतने मार्क्स आए थे मेरे, और क्यों नहीं हुआ सर। तो मैंने उससे रिलेटेड वीडियो डाल दिया है कि जनरल कैटेगरी मीन्स ओपन कैटेगरी, कोई भी वहाँ आ सकता है। तो आज हम सबके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या पोजीशन है, प्रारंभ में क्या चल रहा है, भोपाल में क्या चल रहा है। चलिए पहले प्रारंभ से शुरू करते हैं, और आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरी हैं, उनके उत्तर भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। मुझसे जो सेवा आपकी होगी वो मैं करूँगा, और जो नए बच्चे हैं वो देख रहे हैं इसको, उनसे भी मेरा आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं कुछ क्लासेज आपकी लूँगा, और मोर देन 100 वीडियोज मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में है RI से संबंधित, उनको पढ़िए। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के हैं, रीजनिंग के हैं, एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के, आप पढ़िए। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको जितनी भी सेवा होगी मैं करूँगा, क्योंकि शिक्षा ने मेरे को दिया है, तो इस शिक्षा का सदुपयोग भी होना चाहिए। शिक्षा का धन ऐसा है कि बांटने से बढ़ता है। चलिए, मैं ज्ञान के बारे में ऐसी बात कही गई है, चलिए मैं प्रारंभ में चलता हूँ। पहले प्रारंभ में देखिए, कुछ भी नया नहीं है। BA BEd की जो लिस्ट पहले वाली लिस्ट थी वो ही अभी चल रही है, और अभी तक कोई कुछ भी नया नहीं है। जो पुरानी लिस्ट थी वो 23 जनों का नाम था, वो 30 जनों का लास्ट नाम था, और फिर 23 जनों ने इसमें एडमिशन लिया था, वही चल रही है, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी प्रारंभ में आपको नया नहीं मिलता है। अगर काउंसलिंग वाला इसको क्लिक करेंगे तो आपको और भी पता लग जाएगी कि वहाँ क्या चल रहा है, और भी अच्छी तरह ताज़ा तरीन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर फी सबमिशन फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, यानी सेकेंड राउंड का यहाँ कुछ भी नहीं है। फर्स्ट राउंड का ये देखिए, ये 20 जनों की लिस्ट थी, तो ये देख लीजिए, और जाएंगे तो ये यहाँ देखिए कितने जनों की लिस्ट है, ये वो की वो लिस्ट है, 21 जनों की लिस्ट है। तो अभी तक दूसरी काउंसलिंग का कुछ भी नहीं आया है, और एक दो दिन में आने की संभावना है। चलिए चलते हैं आगे, ये हम खोलते हैं अब RIE भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से नई सूचना क्या है, भुवनेश्वर से अब आप सूचना देखेंगे तो यहाँ बस ये 21 तारीख तक है, कोई सूचना नहीं है। लेकिन दोस्तों एक मैं बात बता देता हूँ आपको, देखा जाए तो RIE मैसूर से भी वेटिंग लिस्ट आ चुकी है, RIE अजमेर ने तो साथ ही जारी कर दी थी, और अब भोपाल की बात करेंगे तो बताऊँगा मैं, पहले इसकी बात कर ले। तो यहाँ से अभी तक कुछ भी नहीं आया है, सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आई है। तो अब यहाँ देखिए 19 तारीख हो गई, 19 से 22 हो गई, और ये 24 तारीख तक डिपॉजिट ऑफ एडमिशन फी बाय कंफर्म कैंडिडेट्स एज पर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो 24 तारीख तक ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो ये प्रोसेस पूरा हो गया, तो आज 25 तारीख है। इसका मतलब अब क्या है, अब नेक्स्ट ये है कि आपके अनाउंसमेंट ऑफ सेकेंड सेलेक्टेड लिस्ट कैंडिडेट फॉर प्रोविजनल एडमिशन, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड डिपॉजिट ऑफ फी। तो यहाँ सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आएगी, और इसी के साथ वेटिंग लिस्ट भी आ जाएगी, जैसे भोपाल की आएगी, यानी वो थर्ड काउंसलिंग मान लो आप, सेम डे सेकंड काउंसलिंग के साथ सेम डे थर्ड काउंसलिंग भी हो जाएगी। कहाँ, जैसे अब चलते हैं भोपाल में, और बीएड और एमएड की बात में अनाउंस होगी, ये आपने देख लिया। अब RIE भोपाल में चलिए, मुख्य बात यही है आज की, क्या बात है, अब आप देखेंगे हमने क्या खोला है आज नया, ये काउंसलिंग सेशन पे चलेंगे। तो ये देखिए ने खोल कर रखा है, तो ये कल हो गया था सेकंड काउंसलिंग लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर वेरियस कोर्सेज एंड इंस्ट्रक्शंस। तो ये कल हमने पूरा देख लिया था, मैंने अलग अलग वीडियो बना दिए थे और आपने देख भी लिया था। आज नया क्या है, सेकंड काउंसलिंग लिस्ट ऑफ वेट लिस्ट कैंडिडेट फॉर वेरियस कोर्सेज एंड इंस्ट्रक्शंस। मैंने आपको बताया था कि ये सेकंड काउंसलिंग हो जाएगी, तो सेकंड थर्ड काउंसलिंग भी होगी, थर्ड काउंसलिंग ये सेम डे हो रही है, सेकंड काउंसलिंग लिस्ट हो गई। अब ये वेट लिस्ट कैंडिडेट हैं, ये मान लो आप अगर इनमें से कोई नहीं आता है तो ये थर्ड काउंसलिंग है, सेम डे होगी। यहाँ का प्रोग्राम आपने देख लिया था कि कितने बजे तक जमा करानी है आपको, ये देखिए आप देखेंगे 9:30 से 9:30 AM टू, ठीक है ना। द ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी हेल्ड ऑन 27 अक्टूबर ट्यूजडे एट 9:30 AM एंड इन गूगल मीट। तो ये आपको सारा काम 9:30 बजे से करना था। अब जाएंगे आगे, तो यही प्रोग्राम आपको क्या मिलेगा, यहाँ इंस्ट्रक्शन में क्या मिलेंगे ये नए वाले में, ये देखिए आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, ये जो वेट लिस्ट कैंडिडेट हैं उनके लिए, वेट लिस्ट कैंडिडेट हैं
उनको ये मिल रहे हैं निर्देश कि द ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी हेल्ड ऑन 27 अक्टूबर ट्यूजडे एट 2:30 PM इन गूगल मीट, यानी आपकी 2:30 बजे से ये थर्ड काउंसलिंग हो गई है। देखिए ये और बाकी सारा का सारा सेम का सेम है, ये बीए बीएड की और ये बीएससी बीएड की फीस बराबर है। द सेलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैंड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एज गिवन इन द लिस्ट। द कैंडिडेट शुड अपलोड द स्कैंड कॉपी, वो चीज़ इसमें दी हुई है। किसे? इंस्ट्रक्शन। अब मैं दोबारा एक बार आपको लेके चलता हूँ। इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस सिलेक्टेड, ठीक है, और इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस वेट लिस्टेड। ये दोनों अलग अलग है, इनको एक बार एक मैं अलग अलग खोल के बताता हूँ। ये आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, क्या चेंज है, क्या अंतर है ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। ये आपकी 27/10/2020 को 9:30 बजे से है एट 9:30 AM गूगल मीट के ऊपर है। तो आप 26/10 ये आपको 26/10 तक आपके पास लिंक आ जाएगा, यानी कल आपके पास लिंक आ जाएगा, ठीक है। और कोई शिकायत, ये आपके जो अपलोड करने वाले कागज हैं। अब देखिए दूसरा वेट लिस्ट वालों का, वापस वहीं चलते हैं, मैं आपको अलग अलग करके दिखाता हूँ। अब वेट लिस्ट वालों, ये देखिए वेट लिस्ट वालों में क्या अंतर है। ये देखिए आपका वेट लिस्ट वालों का, ये द ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी हेल्ड ऑन 27 अक्टूबर सेम डे ट्यूजडे, बट द टाइम इज डिफरेंट। टाइम क्या है? 2:30 PM है। तो अब वो देखो उनकी खत्म होगी, फिर भी सीट खाली रही, तो ये आप इसको थर्ड काउंसलिंग मान सकते हैं, थर्ड काउंसलिंग मान सकते हैं। क्यों? जो सेकंड काउंसलिंग में जो खाली रहेंगी सीट, इसको थर्ड काउंसलिंग मान सकते हैं। तो मैंने कहा था कि ये होगी, तो अब बस इसके बाद कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। अगर कोई इसके बाद वैसे भी खाली नहीं रहने वाली, अब आप वेट लिस्ट देख लीजिए भोपाल की। वेट लिस्ट देखेंगे आप तो बी ए बी एड की वेट लिस्ट है, तो आप देखेंगे तो अनिशा जिशोन है, उमेश खरे, इशिता तिवारी, स्वाति चंद्रवंशी है, ये मध्य प्रदेश से हैं। इतने लोग ओबीसी, देखो कितने कितने लोग, 95.4% है, और ये वेट लिस्टेड कैंडिडेट है। अगर जो पुरानी लिस्ट है, सिलेक्टेड लिस्ट है सेकंड काउंसलिंग की, उसमें कोई एक बंदा नहीं आता है, तो अनिशा जिशोन का सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा, ये थर्ड काउंसलिंग मानी जाएगी, ठीक है। डेट ऑफ काउंसलिंग ये आपको रिपोर्टिंग टाइम बता दिया है, कौन सा है? 2:30 PM, ठीक है, ये बता दिया वेट लिस्ट कैंडिडेट के लिए सेकंड काउंसलिंग। तो अब ये देखिए, एक नहीं आए, दो नहीं आए, तो पीयूष खरे का हो जाएगा। इस तरीके से ये लिस्ट बनी है मध्य प्रदेश की, आप अच्छी तरीके से इसको देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश एससी की नो वैकेंसी, कोई वैकेंसी नहीं, ओबीसी की वैकेंसी है। और ये देखिए मध्य प्रदेश एसटी की है, हालांकि ये वैकेंसी मध्य प्रदेश एससी नो वैकेंसी, बट यहाँ नाम दे रखे हैं एससी में, देखिए नो वैकेंसी बट नाम है यहाँ, वेट लिस्ट कैंडिडेट के सिक्स नेम्स आर हियर बट वैकेंसी नहीं बता रखी। यहाँ एसटी की है, या महाराष्ट्र जनरल की है, महाराष्ट्र ओबीसी है, महाराष्ट्र ये एसटी में नो वैकेंसी लिस्ट एग्जॉस्ट, और महाराष्ट्र ईडब्ल्यूएस में नो वैकेंसी है। गुजरात की दिग्विजय सोलंकी और आयुषी नीलानी, ये इनकी है, ठीक है। तो ये आपने लिस्ट देख ली, ये आप खुद देख सकते हैं, मैं जानता हूँ आप ये आप सक्षम हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब बीएससी बीएड की फिजिकल साइंस की देख लीजिए लिस्ट, ये उत्सव उपाध्याय, चित्रांशु जायसवाल, हर्ष विश्वकर्मा, प्रिया मालपानी, ये पीयूष खरे, ये देख लीजिए, ये जनरल की लिस्ट है। तो ये जनरल में, यानी ओपन मान लो इसको, जनरल मत मानो, जनरल में एक ही है और बाकी ये दो देखो ओबीसी है, फिर जनरल में एक है। जो मैंने वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में, इसको समझ लीजिए कि जनरल वाले में ओबीसी भी आ सकते हैं ओपन कैटेगरी में, और लेकिन ये जनरल वाले कहीं भी नहीं जा सकते हैं। तो ये लिस्ट आपने देख ली, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए थे, वो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी लिस्ट की थी क्वेश्चन है। चलो अब आगे फिर से वो लिस्ट और देख लीजिए, बीएससी बीएड बायोलॉजिकल साइंस की, ये आप लिस्ट देख लीजिए, अभय चौहान, राघव, ऋतु विश्वकर्मा, वैशाली शर्मा, ये लिस्ट आप देख लीजिए, लंबी चौड़ी लिस्ट है। अब इसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, कोई गुंजाइश नहीं रहेगी इसके बाद, इसको थर्ड काउंसलिंग समझ लीजिए, वेट लिस्ट कैंडिडेट समझ लीजिए, इससे जो भी खाली रहेगी वो भरी जाएगी। अब फ्रेंड्स मैं आपको बात बता दी, जो मेरे पास क्वेश्चन आए उनकी बात बता देता हूँ आपको कि
ये प्रथमेश लिखते हैं, सर मेरा आरआई भोपाल में 4 नंबर वेटिंग लिस्ट में हो जाएगा क्या? अब आरआई भोपाल में 4 नंबर पर है वेटिंग लिस्ट। प्रथमेश आप कौन से आर्ट्स से हैं, मतलब महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं, एमपी से हैं, कोई स्टेट तो आपने लिखा ही नहीं, मेरे को कैसे पता चलेगा? न आपने अपनी कैटेगरी लिखी है, तो फ्रेंड 4 नंबर पे वेटिंग लिस्ट में है तो देखो है तो मुश्किल। देखो दोस्त मैं साफ साफ बताऊंगा आप, क्योंकि सेकंड राउंड में फिल हो जानी चाहिए, अगर फिर भी होता है चमत्कार तो मुझे खुशी होगी। आगे वैष्णवी लिखती है, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट में क्या लिखना है, इसे भी अपलोड करना है? हाँ वैष्णवी जी, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट में क्या लिखना है कि जैसे आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है जैसे पुलिस वेरिफिकेशन का, तो आप कह देंगे कि भाई मैं 15 दिन में ये सर्टिफिकेट जमा करवा दूंगी, और अगर मैं जमा नहीं करवा पा रही तो आप मेरा प्रवेश निरस्त कर सकते हैं, और फिर इसको अपलोड कर देंगे तो आपको ये मान लिया जाएगा, क्योंकि आपने अपनी मेरिट से स्थान प्राप्त किया है, तो ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए आपको हटाएंगे नहीं। फिर तनिषा लिखती है, मेरा नंबर ओबीसी में 5 नंबर पर है, क्या मेरा हो जाएगा? अजमेर, तो तनिषा जी अजमेर आरआई में है लेकिन ओबीसी में है, आप कौन से स्टेट से हैं ये भी नहीं लिखा, लेकिन गुंजाइश है, अगर आप यूपी से हैं तो 7 सीटें, राजस्थान में 2 ही सीट हैं, तो अगर आप यूपी से हैं तो गुंजाइश बनती है, और राजस्थान से हैं तो मैं कह नहीं सकता, और बाकी की सीटें तो कम ही हैं आरआई अजमेर में, लेकिन उम्मीदें रखनी चाहिए। मैंने कई जो मेरे सब्सक्राइबर थे या कई मेरे चैनल पे जाया करते थे, उन्होंने कमेंट किया था सर मैं वेटिंग में, और उनका हो गया, सिलेक्शन नहीं हुआ था पहली लिस्ट में, भोपाल की दूसरी लिस्ट में हो गया। और ये क्या लिखते हैं, 5 स्टेट है, स्टेट कौन सा है, तो ये तो मेरे को आया नहीं। ये सर ये गूगल मीट फॉर्म क्या होता है, मोहन लिखते हैं, सर ये गूगल फॉर्म ये क्या होता है? तो भाई गूगल फॉर्म आप डाउनलोड करोगे तो आपके सामने आ जाएगा, और आप जो बताया गया है, आप लिंक दिया गया है उसके हिसाब से जाइए, ठीक है। गूगल फॉर्म मीन्स व्हाट एंड व्हेन शुड अटेंड द काउंसलिंग ऑफ मैसूर, भाई काउंसलिंग के लिए व्हेन कहीं जाना नहीं है आपको, तो ऑनलाइन काउंसलिंग है सब जगह, किसी आरआई ने कहा ही नहीं है आपको। और श्रेया लिखती है, सर इनकम सर्टिफिकेट सिर्फ ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट को देना है या देना है ना, या सबको? सबको नहीं देना भाई, जनरल वालों को नहीं देना, ईडब्ल्यूएस के लिए तो लगेगा ही लगेगा, सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का ई इनकम सर्टिफिकेट पे बनता है। किरण कुमार लिखते हैं, सर प्लीज मेक ए वीडियो ऑन नेक्स्ट प्रोसीजर फॉर द कैंडिडेट्स सेलेक्टेड इन वेट लिस्ट फॉर आरआई मैसूर, तो मैं बना दूंगा किरण कुमार जी, कोशिश करूंगा, वैसे सब कुछ प्रोसीजर बताया हुआ है। दीपक सर, मेरा बीएससी बीएड रीजनल भोपाल में आ गया है, बट मैंने होलकर साइंस इंदौर में एडमिशन ले लिया है, मैं आगे एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मुझे बताएं कि मुझे कौन सी कॉलेज चुननी चाहिए, कौन सी कॉलेज? अब आप तो आपको दीपक जी बधाई, और आपने पहले से ही कॉलेज तो चुन ली, आपको मैं क्या बताऊँगा, आपने होलकर कॉलेज बता दिए कि मैंने होलकर कॉलेज चुन ली है और एमपीपीएससी देना चाहता हूँ, एडमिशन भी ले लिया है, मैंने होलकर साइंस में एडमिशन लिया है, तो अब आपको कॉलेज, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर 3 साल तो आपको डिग्री में भी लगेंगे, यहाँ भी आपकी बीएससी बीएड हो जाएगी 4 साल में, 1 साल में आपके पास प्रोफेशनल डिग्री भी हो जाएगी, तो 1 साल में कुछ नहीं है, आप यहाँ बीएससी बीएड कर लेंगे तो एक प्रोफेशनल डिग्री आपके पास रहेगी, तो कॉन्फिडेंस रहेगा आपके पास, तो मैं समझता हूँ आपको कर लेनी चाहिए, और आपने अपनी चॉइस है, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके क्वेश्चन थे, मैंने आपके जवाब दे दिए, ओके। एक लिखिए, क्या बीएससी बीएड कोर्स में स्कॉलरशिप होती है क्या? ये आदित्य जैन लिखते हैं, तो इसमें स्कॉलरशिप भी होती है, फ्रीशिप भी होती है, सब कुछ होता है फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा, आगे आपके लिए अच्छे से वीडियो लाता रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहिए। आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।